Okay. हेलो माइक चेक गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग। चलो फटाफट कनेक्ट हो जाओ। यस चलो वेरी गुड। या वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। ऑडियो वीडियो एक बार चेक कर लो सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर सेशन फॉर टुडे द थर्ड लेक्चर फॉर सीए फाइनल ऑडिट। चलो लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास और बहुत ज्यादा मजे में होंगे। एब्सोल्युटली यस सर। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में जिसका नाम था क्वालिटी कंट्रोल, और उसके अंदर हम लोग ने SQC 1 ये फिनिश कर दिया था। उसके पूरे जो 6 एलिमेंट्स थे वो पूरा एकदम अच्छे से हमने पढ़ लिया था उसको। यस सर, आज हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। दैट इज नाउ व्हाट द पेंडिंग पार्ट इज एसे नंबर 220। इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, इसके बारे में समरी नोट्स बनाएंगे, और उसके बाद क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, पियर रिव्यू बोर्ड और नफरा के बारे में भी हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। राइट? यस सर। चलिए सो क्या बात करी थी हमने एसे नंबर 220 के बारे में। सो आइए जरा एसे 220 अभी ये एसक्यूसी 1 के बारे में हमारा पूरा अच्छे से डिस्कशन समरी नोट्स हो गए थे। यस एकदम बढ़िया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अबाउट नेक्स्ट टॉपिक जो अपने को बात करनी है, दैट इज एसे नंबर 220। एसे नंबर 220 ये क्या बात करता है? इट इज इन रिगार्ड्स टू व्हाट? क्वालिटी ओनली। ये बात करता है अबाउट क्वालिटी ओनली दोस्तों, बट क्वालिटी फॉर ऑडिट्स ऑफ फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बात करता है मालिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, मतलब स्पेसिफिकली व्हेन यू आर कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलोंग विथ एसक्यूसी 1 आपने यूज करना है क्या? एसए नंबर 220। समझे क्या बात को? यस सर। सो जो कल हम लोग ने बात करी थी, इट इज क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंगेजमेंट पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी मेंटेन करने की? एंगेजमेंट पार्टनर। इट इज बेस्ड ऑन एसक्यूसी नंबर 1। एंगेजमेंट टीम्स हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंप्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स दैट आर एप्लीकेबल टू द ऑडिट एंगेजमेंट एंड प्रोवाइड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू एनेबल द फर्म टू इंप्लीमेंट व्हाट? क्वालिटी कंट्रोल। एंगेजमेंट टीम्स रिलाय ऑन द फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। सो इसमें हम लोग ने इंट्रोडक्शन में क्या बोलेंगे कि बॉस यहां पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये जो एंगेजमेंट पार्टनर है, बराबर है, सो दिस एंगेजमेंट पार्टनर
इट इज दैट एंगेजमेंट पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. किस चीज के लिए? ये एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू मेक श्योर ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? क्वालिटी. सो हियर वी राइट दिस गाइज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और इस भाई साहब की जो टीम है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? द एंगेजमेंट टीम. जो ये एंगेजमेंट टीम है, व्हाट इज दिस एंगेजमेंट टीम गोइंग टू डू बेटा? दे हैव टू कंप्लाई विथ फर्म्स सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. मतलब क्वालिटी अचीव करने की जिम्मेदारी किसकी है? एंगेजमेंट पार्टनर की. और एंगेजमेंट टीम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दैट दे हैव टू इंश्योर दैट दे कंप्लाई विद द फर्म्स सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. क्या ये बात जमी आपको? यस सर. सो इसके अंदर क्या कहता है? एज पर एसए 220 द ऑब्जेक्टिव इज दैट, अगेन सेम जो हमने एसक्यूसी 1 में पढ़ा था, कि दैट वी हैव टू कंप्लाई विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड इश्यू एन ऑडिट रिपोर्ट विच इज अप्रोप्रिएट इन दी सर्कमस्टेंसेस. सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसए 220? ये सब काम करके व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? इससे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सो ऑब्जेक्टिव नंबर 1, वी कंप्लाई विथ, क्या करना है अपने को? वी कंप्लाई विथ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स. वी कंप्लाई विथ व्हाट? कंप्लाई विथ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. एंड देन सेकेंड पॉइंट कहता है उसमें, इशू ऑडिट रिपोर्ट विच इज अप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टेंसेस. मतलब सही ऑडिट रिपोर्ट आप सही सर्कमस्टेंसेस में दीजिएगा. So this is what we aim under SA number 220. तो ये उसका क्या है दोस्तों? Objective है. So यहां तक कोई difficulty है आपको? तो ये तो भाई जो है वो घिसा पिटा वही point है. तो इसके अंदर वो लोग क्या कहते हैं? It is modeled on the lines of what SQC 1. Same points आपको घिसे पिटे मिलेंगे. इसीलिए हम लोग ने SQC 1 पे पूरे 2 दिन हम लोग ने invest करे. और अब हम लोग बात करते हैं कि बॉस एसए 220 उसी लाइंस पे क्वालिटी अचीव करने के लिए क्या क्या काम करता है. सो क्या ये दोस्तों आपको ये पॉइंट्स याद है? आपको बोलो फटाफट. लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, एंगेजमेंट टीम परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग. सब सारे के सारे क्या है दोस्तों? सेम पॉइंट्स. कितना बढ़िया है ना, एकदम मस्त. चल तो अब फिर से एसए 220 के हिसाब से इस एक एक पॉइंट को हम लोग आराम से समझते हैं. पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहे हैं हम लोग? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी. आराम से देखो, पढ़ने का हर एक चीज का अपन समरी बना रहे, बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने का नहीं, ठीक है ना? ये समरी नोट्स, हैंड रिटन नोट्स इतना हेल्प करेगा आपको, मतलब उसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है? चल सो द लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, that engagement partner is to take responsibility for overall quality on each audit engagement to which that partner is assigned. Uske baad, the actions of engagement partner and appropriate messages to other members of the engagement team in taking responsibility for overall quality on each audit engagement emphasizes that. Wo kya emphasize karega? Inke jo actions hai, unke actions se kya prove hona chahiye? कि बॉस इनके लिए क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट
एंड क्वालिटी इज एसेंशियल फॉर देम। इनके लिए क्या है दोस्तों, क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट एंड क्वालिटी इज एसेंशियल। ये सेम टू सेम हम लोग ने एसे 220 हमने इंटर में भी पढ़ा हुआ है, आपको याद आता होगा, नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं। सो द एक्शंस ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर बराबर एंड द मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम शुड एम्फसाइज दैट, इनके लिए क्वालिटी जो है ना इट इज ऑफ द हाइएस्ट इंपॉर्टेंस एंड इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट बट दैट इट इज एसेंशियल। मतलब महत्वपूर्ण है ही है बट उसके बगैर कोई भी काम अपना नहीं हो सकता है। इट इज वॉट वेरी एसेंशियल इन परफॉर्मिंग दी ऑडिट एंगेजमेंट। सो आप कैसे एम्फोसाइज करेंगे कि आपके लिए क्वालिटी इंपॉर्टेंट है? तो वो कहता है सर हम ऐसे काम करेंगे, हम ऐसे काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, हम ऐसे काम करेंगे कि दैट विल कंप्लाई विद, वही अपना जो अभी अपन ने बात करी, दैट विल कंप्लाई विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। हम लोग कंप्लाई करेंगे किससे, विद द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। हम लोग जो ऑडिट रिपोर्ट जो इशू करेंगे वो होगी अप्रोप्रिएट इन दी सर्कमस्टेंसेस। आई बात समझ में? एंड जो एंगेजमेंट टीम जो होगी दे विल रेज कंसर्न्स विदाउट फियर ऑफ रिप्राइजल। मतलब उन्हें कोई वापस ऐसे बोलेगा कि ये ऐसे क्या क्वेरी पूछ रहे, ये डर हमें नहीं रहेगा। तो आप समझे बात को। सो ऐसे करके हम लोग हमारे ऑडिट क्वालिटी का इंपॉर्टेंस हम लोग दर्शाएंगे। सही है एकदम, यस सर। सो यहां पे फर्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं, जो आज हम लोग बात करते हैं अबाउट लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम टू सेम पॉइंट्स है। मतलब एसए 220 अभी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, अभी इधर अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ये पॉइंट सामने रखने का ऐसा। तो इधर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या बोला था, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू एंश्योर दैट क्वालिटी इज एसेंशियल। ये किसी और को हमने काम सौंपना चाहिए ताकि हमारा कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए। तो इसीलिए वो एग्जाम्पल्स दिए थे कि क्या क्या हमने करना चाहिए। जैसे हमने किसी दूसरे व्यक्ति को हमने क्या करना चाहिए, रिव्यू का काम देना चाहिए सो दैट कमर्शियल कंसिडरेशन ना आए। सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या कहते हैं कि बाबा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऐसे बनाओ कि आप इनका प्रमोशन कंपेंसेशन दीजिएगा, जिससे कि क्या हो जाए कि उन्हें काम करने में एक क्या बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज ना हो उनकी क्वालिटी और सफिशियंट रिसोर्सेज वो डेवलप करें। सो ये हमने एसक्यूसी 1 में पढ़ा था कि ये जनरल हम लोग ने बात करी थी। अब इधर क्या बोलता है कि इधर लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो वो बोलता है द लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी is to maintain quality, to maintain overall quality on each audit engagement। ठीक है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, अभी जो हमने देखा द एक्शंस ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर एंड मेंबर्स ऑफ engagement team shall emphasize two things। कौन सी दो बातें हैं? नंबर वन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी, एंड क्वालिटी इज एसेंशियल एंड क्वालिटी इज एसेंशियल। अब इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी हम लोग कैसे प्रूव करेंगे,
तो उसके बारे में चार बातें, परफॉर्म, कंप्लाई, इशू एंड रेस कंसर्न्स। सो बेटा हाउ विल यू परफॉर्म, इस सबके लिए पहले ड्रॉप डाउन एरो डाल देते, लिखते जाओ साथ में, ये लिखा क्या नहीं लिखा। ओ भाई साहब, बेटा ये पूरा समरी लिखा है नहीं लिखा आपने? ये सब साथ में लिखना है आप लोगों ने, ठीक है ना? यस सर। सो लिखते जाने का मस्त है एकदम। सो वी विल परफॉर्म, कैसा परफॉर्म करेंगे? सो वी विल परफॉर्म एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, कंप्लाई विथ फर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, इशू ऑडिट रिपोर्ट अप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टेंसेस एंड रेज कंसर्न्स विदाउट फियर ऑफ रिप्रेजेंस। सही है एकदम, यस। सो ये जो है ये काम है लीडर का। दिस इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स इज द लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। जम गई क्या बात? एकदम एकदम आराम से, कोई कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज व्हाट इज द लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी एस ए 220 के हिसाब से। चलो टेल मी, नोट कर लो इसको पूरा अच्छे से। गुड, सो दिस इज व्हाट इज लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू मेंटेन ओवरऑल क्वालिटी। द एक्शंस ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स शैल एम्फसाइज दैट द क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज व्हाट एसेंशियल। सो इसके हिसाब से ये लोग कामकाज करेंगे। सो आते हैं यहां पे, यही बात लिखी हुई है, द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी एंड द क्वालिटी इज व्हाट एसेंशियल, खत्म हो गया। सो ये आपने 6 पॉइंट में का एसए 220 में का फर्स्ट पार्ट इज व्हाट डन। कॉन्फिडेंस है आप लोगों को? एब्सोल्युटली यस सर, मजा ही आ गया। चलिए जी, तो आगे खेल शुरू करते हैं। सेकेंड पॉइंट now we talk about is we have to comply with what the relevant ethical requirements। ab ye ethical requirements kya hote hain hum sabko pata hai, abhi humne padhe the। wo ethical requirements kya hote hain? integrity, objectivity, confidentiality, fir uske baad प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, उसके बाद इंडिपेंडेंस,
तो ये जो है ये सारे क्या है, ऑल दिस आर वॉट डियर फ्रेंड्स आर रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। सो ये जो है ना ये रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स हम लोग ने फॉलो करना है। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर इन रिलेशन टू एथिकल रिक्वायरमेंट इन एन ऑडिट एंगेजमेंट इज दैट, ये सब तो कंप्लाई करना ही है। उसके साथ साथ वो क्या बोलता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई अ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस रिगार्डिंग ऑडिट एंगेजमेंट दैट सेफगार्ड्स मे नॉट बी एबल टू एलिमिनेट और रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, देन रिपोर्टिंग बाय एंगेजमेंट पार्टनर टू रेलेवेंट पर्सन विद इन द फर्म टू डिटरमाइन अप्रोप्रिएट एक्शन विच मे इंक्लूड एलिमिनेटिंग द एक्टिविटी और इंटरेस्ट दैट क्रिएट्स अ थ्रेट और विदड्रॉइंग फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट वेर इट इज लीगली परमिटेड। सो एकदम ईमानदारी से अपने काम करना है। सो क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट जो अपन बात करते हैं, सिंपल सा रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। सो रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल डू व्हाट इज आइडेंटिफाई अ थ्रेट। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द थ्रेट, ठीक बात, बहुत इजी है, घिसा पिटा भाई भाई रिपीट रिपीट है यार, कोई टेंशन नहीं है, चैप्टर वन खत्म हो जाएगा। चल सो क्या कह रहे हैं, फर्स्ट रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट इज आइडेंटिफाई द थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, ठीक है। सो व्हाट यू डू इज यू आइडेंटिफाई द थ्रेट टू इंडिपेंडेंस कि जिसके वजह से आपकी एबिलिटी टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन गेट्स व्हाट अफेक्टेड, बराबर। एंड उसी के साथ ये क्या बोल रहा है, कौन से थ्रेट के लिए, फॉर विच द सेफगार्ड्स में नॉट बी एबल टू एलिमिनेट और रिड्यूस देम। सो वो थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना है, बराबर। आइडेंटिफाई द थ्रेट टू इंडिपेंडेंस फॉर विच सेफगार्ड्स में नॉट बी एबल टू रिड्यूस और एलिमिनेट देम। और उसके बाद आपने क्या करना है, रिपोर्ट टू अप्रोप्रिएट पर्संस विद इन फर्म टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन और विड्रॉ वेयर विड्रॉवल इज लीगली परमिटेड। सो भाई एकदम सिंपल सी बात है, अगर कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस आप लोगों को मिलता है, जैसे थ्रेट टू इंडिपेंडेंस की अगर अपन बात करें, सो आपको पता है कि अगर आपको वहां पे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, फेमिलियरिटी थ्रेट है, बराबर, एडवोकेसी थ्रेट है, या इंटिमिडेशन थ्रेट है, सो अगर ऐसा कोई थ्रेट आपको मिल रहा है जिसके वजह से आपको लग रहा है कि आपका एक ओपिनियन देने की एबिलिटी अफेक्ट हो सकती है, तो ऐसे केस में आपने क्या करना चाहिए, आपने कुछ अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए जिससे आपको एलिमिनेट कर सको। बट अगर आपको लगता है कि वो थ्रेट्स ऐसे जिसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, जिसके ऊपर आप सेफगार्ड्स नहीं लगा सकते, तो ऐसे केस में आपने उसको रिपोर्ट कर देना है, सो दैट क्या एक्शन लेना है वो लोग डिसाइड कर सकते हैं, क्लियर एकदम बात बाकी के मेंबर्स। तो आपने
अकेले में डिसीजन नहीं लेना है, आपने ये बाकी पार्टनर्स से कम्युनिकेट करके ये आपका फर्म का डिसीजन रहेगा। क्लियर एकदम बात? यस सर। सो दिस इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स इज द सेकंड पॉइंट जो हम लोग बात कर रहे हैं एसए 220 का। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बोला, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी है टू मेंटेन व्हाट ओवरऑल क्वालिटी ऑन ईच ऑडिट एंगेजमेंट, देयर एक्शन शुड एम्फसाइज दैट क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट एंड क्वालिटी इज एसेंशियल, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी विल बी शोन बाय परफॉर्मेंस कंप्लाई इश्यू एंड रेज कंसर्न्स, परफॉर्म कैसे करेंगे एज पर द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, उसके साथ साथ वी विल ऑल्सो डू विथ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोफेशनल एंड लीगल एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, देन वी विल इश्यू ऑडिट रिपोर्ट अप्रोप्रिएट इन दिस सर्कमस्टेंसेज, कंप्लाई विद द फर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्वालिटी एंड रेज कंसर्न्स विदाउट फियर ऑफ रिप्राइजल, और ये रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। क्लियर एकदम बात? यस सर। ओके, सो दिस इज व्हाट इज द सेकंड पॉइंट, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। अब भाई क्या हुआ यहां पे, हमने अपनी परफॉर्मेंस और क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए लीडर की जो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके बारे में हम लोग ने बातचीत कर ली। सेकेंड पॉइंट हम लोग ने क्या देखा कि हम लोग कंप्लाई करेंगे विथ वॉट, रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट को भी। अब ये अंदर ही अंदर हमने ये सब चीजें डिसाइड कर ली, करेक्ट है एकदम? यस सर। अब उसके बाद बारी आती है कि अबाउट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और टू डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू विद द क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड ऑडिट एंगेजमेंट्स। तो उसके लिए हमने क्या क्या बातें देखनी है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर इन दिस रिगार्ड इन एन ऑडिट एंगेजमेंट इज ऑन द लाइंस ऑफ SQC1, which requires the firm should obtain information as it considers necessary, obtain information before accepting an engagement with a new client or when to deciding whether to continue an existing engagement. तो ये सेम टू सेम जो बातें हमने SQC1 में पढ़ी थी, मतलब अपन को क्या देखना है कि सामने वाला इंटीग्रिटी, उसका कॉम्पिटेंस है या नहीं, अपने में वो नेसेसरी स्किल है या नहीं जॉब परफॉर्म करने के लिए, क्या हम लोग अपने एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर सकते हैं या नहीं, वो तीन पॉइंट याद है हमने पढ़े थे। यस एग्जैक्टली ये बात यहाँ पे हो रही है। सो क्या कह रहे हैं अपन, इंटीग्रिटी ऑफ द प्रिंसिपल ओनर्स एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द एंगेजमेंट टीम, इंटीग्रिटी ऑफ ओनर्स एंड कॉम्पिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम बराबर। सेकेंड पॉइंट, नेसेसरी केपेबिलिटीज अबाउट टाइम एंड रिसोर्सेस, देन वी टॉक अबाउट इज कंप्लायंस विथ व्हाट द एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड एनी सिग्निफिकेंट मैटर्स बराबर विच हैज अराइजन ड्यूरिंग द करंट और प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट विच हैज एन इम्प्लीकेशन इन द इम्प्लीकेशन असिस्ट द एंगेजमेंट पार्टनर इन डिटरमाइनिंग वेदर कंक्लूजंस रीच्ड रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूंस इज अप्रोप्रिएट। तो ये बातें अपने को देख रहे हैं। सो सेम पॉइंट्स हम लोग ने पढ़े थे भाई, सेम सेम चीजें हो रही है वो। सो यहां पे थर्ड पॉइंट अपन क्या लिख रहे हैं, यहां पे एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ये पूरे स्टैंडर्ड्स थरा करके जाना, न्यू सिलेबस में बहुत ज्यादा जोर स्टैंडर्ड्स के ऊपर दिया हुआ है, पूरे चैप्टर्स जो है उसके अंदर स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर्स आर बेस्ड ऑन व्हाट स्टैंडर्ड्स, तो ये भयंकर इंपॉर्टेंट है। सो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूंस में फर्स्ट पॉइंट अपन क्या देख रहे हैं, इंटीग्रिटी, सेकेंड पॉइंट अपन देख रहे हैं कॉम्पिटेंस। सो इंटीग्रिटी किसके बारे में देख रहे हैं अपन, of the principal owners, second point अपन बात कर रहे हैं competence of what engagement team, फिर उसके बाद third point अपन बात कर रहे हैं तो availability of what, so अपन बात कर रहे हैं capabilities,
केपेबिलिटीज इंक्लूडिंग व्हाट टाइम एंड रिसोर्सेस. फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कंप्लायंस विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स. And significant matters in current or previous engagement having implication on deciding acceptance and continuance of engagement. मतलब ये जो है ना, कैसा बोल रहा हूं मैं, अगर आपको कोई रिश्ता पक्का करना है तो रिश्ता पक्का करने के लिए आपने पांच बातें ध्यान में रखनी है, एक्सेप्ट करना या नहीं करना रिश्ता. तो पांच बातें कौन सी है कि जिनसे हम रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, क्या वो ईमानदार है क्या नहीं, इंटीग्रिटी, वो ईमानदार है क्या, हम में वो काबिलियत है क्या, क्या हम में वो क्षमता है क्या, कॉम्पिटेंस देखना है. कॉम्पिटेंस तो यही है, बट क्या हमारे पास वो नेसेसरी केपेबिलिटीज, मतलब टाइम दे सकते हैं क्या, रिसोर्सेज अवेलेबल है क्या अपने पास, और उसके बाद क्या हम लोग कंप्लायंस करेंगे विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एकदम श्रद्धा निष्ठा ईमानदारी के साथ क्या आप वो रिश्ता निभाएंगे क्या, और ऐसा कुछ मैटर हुआ है क्या करंट या प्रीवियस रिलेशनशिप में जिसके वजह से आपको सोचना पड़े कि क्या ये रिश्ते को हम लोग एक्सेप्ट करें या इसको कंटिन्यू करें. डन है एकदम. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपको रिश्ता पक्का करना है तो इसको ध्यान में कैसे रखना कि रिश्ता अगर पक्का करना है तो कौन सी बातें, किसी को हाँ बोलना है तो भाई वो सामने वाला ईमानदार है क्या, क्या अपने में वो कॉम्पिटेंस है क्या, क्या हम लोग वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर सकते हैं क्या, क्या हमें वो केपेबिलिटी है क्या, नेसेसरी रिसोर्सेज है क्या, और कुछ ऐसा मैटर हुआ क्या करंट या प्रीवियस रिलेशनशिप में जिसका इम्पैक्ट इधर आगे एक्सेप्टेंस में आएगा, तो ये बातें अपने को देखने का है. क्लियर है एकदम? यस. सो ये बात हो गई अपनी किसके बारे में, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ व्हाट क्लाइंट रिलेशनशिप. सो तीन बातें अपनी हो गई एसए 220 के अंदर, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर टू वी स्पोक अबाउट इज एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एंड नंबर थ्री एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप. चलिए अब यहां से आगे बढ़ते, फोर्थ पॉइंट असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम. बेस्ट एकदम. अब रिश्ता अगर पक्का हो गया तो भारतीयों को स्वागत तो करना पड़ेगा. So here we have is assignment of engagement team. अब ये engagement team कैसी होनी चाहिए? Same, competent, capable, committed. कैसी होनी चाहिए? This engagement team should be what? Ensured by the engagement partner that engagement team and experts who are not part of the engagement team collectively have appropriate competence, capability to perform the engagement in accordance with the professional standards एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट. तो उनमें क्या होना चाहिए? कॉम्पिटेंस एंड केपेबिलिटी होना चाहिए. इट शुड बी एंश्योर. ठीक है. सो असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, तो ये कैसे होने चाहिए? They should be competent and capable. तो ऐसे वो होने बहुत जरूरी है. खत्म. ओके, सिंपल, डन. आगे एंगेजमेंट परफॉर्मेंस. अभी काम कैसे करने का, सेम जो हमने पढ़ा था पहले.
हाँ, क्या रे, कैसा? रिपीट रिपीट, बड़ा अच्छा है एक तरीके से. रिपीट रिपीट है, इट्स गुड, एंजॉयिंग सर. सो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? द एंगेजमेंट पार्टनर हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डायरेक्शन, सुपरविजन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड इश्यू ऑडिट रिपोर्ट अप्रोप्रिएट इन दी सर्कमस्टेंसेस. ये तो पढ़ा हुआ है, बट ऐसा काम करने के लिए एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने उनको डायरेक्शन, सुपरविजन और उनका परफॉर्मेंस देखना चाहिए. उसके बाद ही इज ऑल्सो सपोज टू रिव्यू ऑफ वॉट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बिफोर इश्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट हैज ऑल्सो टू इंश्योर दैट सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन टू सपोर्ट द कंक्लूजन रीच फॉर इश्यूएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. उसके बाद एंगेजमेंट पार्टनर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग वॉट अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ऑन डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर. सेम पॉइंट्स क्या हमने एसकेसी में, सेम उसके ऊपर ही बेस्ड है, बराबर के नहीं? बाय एंगेजमेंट टीम नॉट ओनली विद इन बट ऑल्सो आउटसाइड विद द अप्रोप्रिएट लेवल्स ऑफ द फर्म्स विद इन और आउटसाइड द फर्म. सो ऐसे हमने क्या करना है, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस हमने करना है. सो नेक्स्ट पॉइंट, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस. सो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में फर्स्ट पॉइंट वी टॉक अबाउट इज डायरेक्शन, सुपरविजन एंड परफॉर्मेंस. सो डायरेक्शन, सुपरविजन एंड परफॉर्मेंस किसके लिए? दैट इट इज परफॉर्म्ड एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड इश्यू ऑडिट रिपोर्ट अप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टेंसेस. सेकेंड पॉइंट, ही ऑल्सो हैज टू डू वॉट, रिव्यू रिव्यू क्या करेंगे? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट एविडेंस कि बाबा वो सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑब्टेन कराया नहीं करा. क्लियर एकदम? थर्ड पॉइंट अपन बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, कंसल्टेशन. ऑन डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर्स विद इन और आउटसाइड फर्म्स एट एट अप्रोप्रिएट लेवल्स. सही है. सो ये उन्होंने क्या करना चाहिए, ये परफॉर्मेंस के समय पे ये कुछ बातें उन्होंने ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है. सो दिस इज व्हाट इज एंगेजमेंट परफॉर्मेंस. सो कौन से पांच पॉइंट हो गए अपने? नंबर वन वी स्पोक अबाउट इज लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट्स. देन वी स्पोक अबाउट इज, बोलो फटाफट,
सो फर्स्ट वी स्पोक अबाउट इज लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस एंड लास्ट असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम. अब एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू. सो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ये पूरा का पूरा सेम अपना पॉइंट है ये. आ जाओ पहले रीड करेंगे इसको. फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज एंड अदर एंगेजमेंट इफ एनी फॉर द फर्म, इट इज इंपॉर्टेंट. अभी वो अपन ने एसक्यूसी वन में भी देखा था, लिस्टेड एंटिटीज के लिए क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंट होना बहुत जरूरी है. द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इज रिक्वायर्ड. द एंगेजमेंट पार्टनर शाल इंश्योर डिटरमाइन दैट नंबर वन रिव्यूअर हैज बीन अपॉइंटेड, सिग्निफिकेंट मैटर्स हैव बीन डिस्कस्ड, डिस्कस सिग्निफिकेंट मैटर्स ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट including those identified during the engagement quality control review, not date the auditor's report until the completion of the engagement review. Barabar. The engagement quality control reviewer, abhi ye kya hai? The quality control reviewer shall perform. Ye kaam kaun karne wala hai? Quality control reviewer shall perform an objective evaluation of significant judgments made by the engagement team. Barabar. This evaluation will involve number one, discussion, review of financial statements and proposed auditor's report, selected audit documentation and significant judgments, evaluation of conclusions reached. Barabar. So ye kaun kaam karne wala hai? Ye reviewer kaam karne wala hai. So yahan pe aap dekhiye, this work is done by engagement partner. And this work is done by the quality control reviewer. So, engagement quality control reviewer में सबसे पहले यहां पे हम लोग बात कर रहे engagement partner की responsibility. Engagement partner क्या करने वाला है? So, engagement partner सबसे पहले first thing he will ensure. वो क्या करेगा? डिटरमाइन करेगा. ही विल इंश्योर. ये कौन है? रिव्यूअर. ही विल चेक दैट वेदर रिव्यूअर इज अपॉइंट. क्या ये भैया अपॉइंट हुए हैं क्या? बराबर है. अगर ये अपॉइंट हो गए हैं तो वो क्या करेगा? इनके साथ ही विल डिस्कस सिग्निफिकेंट एंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा इनके साथ? पहले तो एस्टैब्लिश करेगा कि वो भैया अपॉइंट हुआ या नहीं हुआ. एंड देन ही विल डिस्कस सिग्निफिकेंट मैटर्स विथ हिम जो ऑडिट के दौरान आए थे वो. एंड उसी के साथ साथ ही विल Not date. Not date मतलब क्या? He will not sign the audit report. जब तक review complete नहीं होगा. Not date audit report. Until completion of review. आई बात समझ में? So engagement quality control reviewer क्या करेगा भाई? वो आके review करेगा. बट इसमें सबसे पहले जो जिम्मेदारी है वो किसकी है यहां पे? एंगेजमेंट पार्टनर की. कि एंगेजमेंट पार्टनर ने एस्टैब्लिश करना है, डिटरमाइन करना है कि वेदर रिव्यूअर इज अपॉइंटेड. ही विल डिटरमाइन वेदर रिव्यूअर इज अपॉइंटेड. बराबर. एंड देन वंस इज अपॉइंटेड ही विल डिस्कस व्हाट द सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड नॉट डेट द ऑडिट रिपोर्ट until completion of the review. तो ये किसकी जिम्मेदारी है? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर की नहीं, एंगेजमेंट पार्टनर की.
और जब ये रिव्यूअर आ चुका है बराबर, और ये मैंडेटरी किसके लिए है वो भी लिख देते हैं, फॉर लिस्टेड एंटिटीज के लिए तो ये मैंडेटरी है ये, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट यहां पे क्या आएगा, अब भैया जी ये जो रिव्यूअर है, अब ये रिव्यूअर क्या क्या करेगा, ये रिव्यूअर क्या क्या करेगा बराबर, दिस गाय इज व्हाट यू सी, दिस गाय इज द रिव्यूअर, ठीक है। सो नाउ जब ये डिस्कस करेगा सिग्निफिकेंट मैटर्स, तो ये भाई साहब भी क्या करेंगे, ही विल ऑल्सो डिस्कस सिग्निफिकेंट मैटर्स, एज सिंपल एज दैट। सो दिस गाय विल ऑल्सो डिस्कस सिग्निफिकेंट मैटर्स बराबर, ये क्या करेगा, ही विल रिव्यू व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड प्रपोज्ड ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि चेक करना पड़ेगा ना कि वो अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस है या नहीं है। सो ये क्या करेगा, ये भी सिग्निफिकेंट मैटर्स को डिस्कस करेगा, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करेगा, फिर उसके बाद ही विल रिव्यू व्हाट द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ही विल ऑल्सो रिव्यू व्हाट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एंड सिग्निफिकेंट जजमेंट्स, ठीक है। एंड लास्ट में ही विल रिव्यू द कंक्लूजन्स दैट यू हैव रीच्ड इन योर ऑडिट रिपोर्ट। सो रिव्यू व्हाट, कंक्लूजन्स दैट द एंगेजमेंट टीम हैज रीच्ड। तो ये जो काम है साहब, दिस इज द वर्क ऑफ रिव्यूअर, क्या करेगा वो, इवैल्यूएशन ऑफ कंक्लूजन्स रीच्ड इन फॉर्मुलेटिंग द ऑडिट रिपोर्ट एंड वेदर कंसीडरिंग वेदर द प्रपोज्ड रिपोर्ट इज अप्रोप्रिएट, सिंपल है एकदम, यस। सो ये जो है सबसे पहले, दिस इज द टास्क ऑफ, ये फर्स्ट जो पॉइंट हम लोग देखते हैं, दिस इज अ टास्क ऑफ द एंगेजमेंट पार्टी, एंड यहां पे जो हम लोग देख रहे हैं, दिस इज द टास्क ऑफ व्हाट, रिव्यूअर। सो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर इज मैंडेटरीली टू बी देयर फॉर लिस्टेड एंटिटीज, क्लियर एकदम। सो एंगेजमेंट पार्टनर एंड रिव्यूअर क्या क्या काम करेंगे उसके बारे में ये बातचीत हो रही है, ठीक है, ओके। नाउ फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटी, द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ऑन परफॉर्मिंग एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू शैल ऑल्सो कंसिडर द फॉलोइंग। नंबर वन, ही विल कंसिडर, जो अभी शुरुआत से बाकी का जो जो काम किया ना, अभी ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिलेटेड ये था बराबर के नहीं, ये ऑडिट रिपोर्ट के लिए ये था, बट उसके अलावा वो क्या क्या देखेगा, फर्म्स इंडिपेंडेंस है या नहीं है, अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लिया या नहीं लिया, एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर द रिव्यू रिफ्लेक्ट्स द वर्क परफॉर्म इन रिलेशन टू द सिग्निफिकेंट जजमेंट्स एंड सपोर्ट द कंक्लूजन्स रीच्ड। तो जितना भी उसके अलावा आपने काम किया वो और इसको क्या करेगा, वो और इसको रिव्यू करेगा। सो एडिशनली, थर्ड पॉइंट, एडिशनली वो और क्या क्या रिव्यू करेगा, आपने क्या क्या देखा था सर, सबसे पहले हम लोग इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे, तो यस वो आके चेक करेगा कि क्या वो ऑडिट एंगेजमेंट टीम क्या इंडिपेंडेंट थी क्या। नंबर टू, आपने क्या कंसल्टेशन भी लिया था क्या, तो आंसर इज यस, तो जो आपने कंसल्टेशन लिया था वो भी वो चेक करेगा। एंड लास्ट में, आपने जो डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया था जिसके बेसिस पे आपने सिग्निफिकेंट जजमेंट लिए, तो वो इसको भी रिव्यू करेगा, क्लियर एकदम। तो ये एडिशनली और तीन पॉइंट्स होते हैं। सो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के बारे में क्या हुआ, सबसे पहले द एंगेजमेंट पार्टनर विल डू व्हाट, बोलो, establish, determine whether reviewer is appointed. उसके साथ significant matters को discuss करेगा और promise करेगा, भैया जब तक तेरा review नहीं होगा तब तक हम लोग audit report को sign नहीं करेंगे। तो engagement partner बोला, अब भाई जो भी है decision तू लेगा, तेरे हिसाब से जो काम होगा वो देखेंगे अभी। फिर क्या होगा, ये reviewer आएगा, ये भी कुछ उसको significant matters which he comes across वो भी उसको discuss करेगा। वो significant matters discuss करने के बाद वो क्या करेगा,
वो आपके पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करेगा, आपके ऑडिट प्रपोज्ड ऑडिट रिपोर्ट को कंसीडर करेगा और देखेगा कि सब बराबर है या नहीं है। एंड फिर ही विल ऑल्सो रिव्यू द डॉक्यूमेंटेशन, द सिग्निफिकेंट जजमेंट्स, योर कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन वॉट द डॉक्यूमेंटेशन विच हैज बीन प्रपोज्ड इन द रिपोर्ट। फिर एडिशनली ही विल ऑल्सो कंसिडर कि क्या पूरे ऑडिट करते समय पे आप इंडिपेंडेंट थे क्या। बराबर, एथिकल रिक्वायरमेंट्स में हमने पढ़ा था ना कि इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, और अगर आप इंडिपेंडेंट हो, बराबर है, इफ यू आर इंडिपेंडेंट, तो फिर सेकेंड पॉइंट अपन क्या कहते हैं कि कंसल्टेशंस आपने जो लिए ऑन डिफिकल्ट मैटर्स पे, क्या वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, और आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए अब क्या हो सकता है, आइए समझते हैं। अब यहां पे इन दोनों पॉइंट्स को लेके देयर कैन बी व्हाट डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, क्या हो सकता है बॉस, बोलना पड़ेगा आपको। देयर कैन बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतलब एंगेजमेंट पार्टनर के हिसाब से जो ओपिनियन आ रहा है, और जो क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के हिसाब से जो ओपिनियन आ रहा है, देयर मे बी अ डिफरेंस। सो दिस डिफरेंस विल बी रिजॉल्व, कैसा रिजॉल्व, एज पर फर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। तो ये फर्म का इंटरनल मामला है, आप डिसाइड कीजिए कि इसको हम लोग किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं एज पर फर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। सो इफ देर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद इन द एंगेजमेंट टीम विद दोज कंसल्टेड, और वेर एप्लीकेबल बिटवीन एंगेजमेंट पार्टनर एंड क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, दीज डिफरेंसेज विल बी रिजॉल्व एज पर द फर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर डीलिंग एंड रिजॉल्विंग दीज डिफरेंसेज ऑफ ओपिनियन। क्लियर एकदम, यस। सो ये हो गया अपना क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के बारे में। सो एकदम सिंपल सा पॉइंट था यहाँ पे, क्या होगा, एक एंगेजमेंट पार्टनर आके देखेगा कि क्या एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अपॉइंटेड है, उसके साथ डिस्कस करेगा सिग्निफिकेंट मैटर्स को, और उसको बोलेगा कि टिल द टाइम योर रिव्यू इज नॉट कंप्लीटेड आई विल नॉट सेंड द ऑडिट रिपोर्ट। रिव्यूअर विल कम, ही विल ऑल्सो डिस्कस द सिग्निफिकेंट मैटर्स, ही विल चेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द प्रपोज्ड ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स, व्हाट इज द कंक्लूजन विच इज देयर इन द प्रपोज्ड ऑडिट रिपोर्ट, ये सब वो देखेगा, उसके हिसाब से वो उसको इवेल्युएट करेगा। एडिशनली इवेल्युएशन करने के लिए वो देखेगा कि क्या आप इंडिपेंडेंट थे या नहीं, कंसल्टेशन आपने जो लिया वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, एंड आखिरी में वो देखेगा कि जो कंक्लूजन्स आपने जो दिए हैं वो सही है या नहीं, अप्रोप्रिएट इन दी सर्कमस्टेंसेस। इसमें अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है बिटवीन मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम विद द पार्टीज हु हैव बीन कंसल्टेड, और बिटवीन द एंगेजमेंट पार्टनर और एंड एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, तो दिस विल बी रिजॉल्व एज पर द फर्म्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर। आप आपके फर्म में क्या आपकी पॉलिसी है उसके हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल एकदम, यस सर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मॉनिटरिंग के ऊपर, द सेकेंड लास्ट पॉइंट। एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंक्लूड्स मॉनिटरिंग प्रोसेस। क्या बोला यहां पे, इंक्लूड्स व्हाट, मॉनिटरिंग प्रोसेस डिजाइन टू प्रोवाइड द फर्म विथ रीजनेबल अश्योरेंस दैट इट्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल आर रेलेवेंट, एडिक्वेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। मॉनिटरिंग करने का काम क्या है कि जो भी हमने ये ऊपर के जो 6 पॉइंट्स हमने देखे वो सब बराबर से एडिक्वेट है क्या नहीं, वो ऑपरेट कर रहे हैं क्या नहीं, एंड वेदर इट इज वॉट रेलेवेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। द एंगेजमेंट पार्टनर शाल कंसिडर द रिजल्ट ऑफ द मॉनिटरिंग प्रोसेस इज एविडेंस बाय द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सर्कुलेटेड बाय द फर्म एंड इफ एप्लीकेबल द अदर नेटवर्क फर्म्स एंड वेदर डिफिशियंसीज नोटेड इन में अफेक्ट द ऑडिट एंगेजमेंट। तो ठीक है, नेक्स्ट ऑडिट, ये इसका डॉक्यूमेंटेशन। सो क्या कहता है, द एंगेजमेंट पार्टनर शुड डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग मैटर्स पर्टेनिंग टू ऑडिट एंगेजमेंट बिसाइड्स द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर शल डॉक्यूमेंट द एंगेजमेंट रिव्यू दैट। सो क्या क्या डॉक्यूमेंट करेंगे, बहुत ईजी है, जो भी सब किया ना
उसको डॉक्यूमेंट करना है, जो भी कुछ किया उसको डॉक्यूमेंट करना है, द प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड बाय द फर्म्स पॉलिसीज ऑन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हैज बीन परफॉर्म, द क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हैज बीन कंट्रोल रिव्यू हैज बीन कंप्लीटेड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड द रिव्यूअर इज नॉट अवेयर ऑफ एनी अनरिजॉल्व मैटर्स दैट वुड कॉज द रिव्यूअर टू बिलीव दैट द कंक्लूजन्स रीच्ड वर नॉट अप्रोप्रिएट. तो जो भी था वो सब डॉक्यूमेंट करना है. तो एफ जी मॉनिटरिंग के बारे में लिखते हैं. मॉनिटरिंग में देखना है कि वेदर इट इज रेलेवेंट, एडिक्वेट एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली. बट वॉट फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. उसके बाद ये हैंड रिटन नोट्स है ना बेटा, लास्ट मिनट पे बहुत कम में आएंगे. ये फास्ट फास्ट सब पूरा वन गो में सब कुछ कवर हो जाएगा. डॉक्यूमेंटेशन अबाउट व्हाट? सो फर्स्ट पॉइंट प्रोसीजर्स दैट हैज बीन परफॉर्म. प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हैज बीन कंप्लीटेड ऑन और बिफोर इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड नंबर थ्री रिव्यूअर इज नॉट अवेयर अबाउट एनी अनरिजॉल्व मैटर्स टू बिलीव दैट कंक्लूजन्स वर नॉट अप्रोप्रिएट. हो गया सबका नोटिंग करके? नोट करो इसको. एंड विद दिस वी कंप्लीट विथ वॉट? एसे नंबर 220.
चलो डन राइटिंग बच्चों, वेरी गुड। सो ये खत्म होने के बाद अब ये क्विकली इसको, ये जो डिफरेंस है इसको रीड कर लो। SQC 1 वर्सेस SA 220। चलो रीड फास्ट गाइस, कम ऑन। चलो सो यहां से अब अपन आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ छोटू सा अभी अपना पार्ट बचता है 2 पेज का, मैकेनिज्म्स फॉर रिव्यू ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। जो 2 चीजें हैं, एक पीयर रिव्यू बोर्ड के हैं, 3 चीजें, एक क्वालिटी कंट्रोल के बारे में है और मतलब क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का है, और तीसरा नफरा के बारे में कि उन्होंने क्वालिटी को लेके क्या क्या किया है। ठीक है, फिर ये सेल्फ नोट्स के लिए आपको अगर ये कुछ है तो ये जगह रखी हुई है। सो चलिए, पीयर रिव्यू बोर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फटाफट फैक्ट्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। पीयर रिव्यू बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय काउंसिल ऑफ ICI। पहले तो पीयर रिव्यू आप समझिए, पीयर पीयर का मतलब क्या होता है, पीयर मतलब क्या होता है? अ पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? पीयर। सो जो व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो ICI के पैनल पे है, बराबर, दैट पर्सन विल बी अपॉइंटेड एज द पीयर रिव्यूअर बाय ICI। बट उसके लिए पहले इंस्टीट्यूट को पीयर रिव्यू बोर्ड बनाना पड़ेगा। सो वी हैव फर्स्ट पीयर रिव्यू बोर्ड जो ICI सेटअप करेगा। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस अश्योरेंस एंगेजमेंट्स, ध्यान से सुनना, पीयर रिव्यू इज ओनली एप्लीकेबल टू अश्योरेंस एंगेजमेंट्स, मतलब जिसमें आप आपका ओपिनियन देते हो, जिसमें आप अश्योरेंस देते हो, यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला काम करते हो, चाहे वो रीजनेबल अश्योरेंस हो या लिमिटेड अश्योरेंस हो, ऑडिट एंगेजमेंट्स पे वो लागू होता है। सो आप समझिए, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू व्हाट? अश्योरेंस एंगेजमेंट्स। सो पीयर रिव्यू बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ICI टू एंश्योर दैट एनी प्रैक्टिशनर्स हु आर कैरिंग आउट अश्योरेंस एंगेजमेंट्स, बराबर, इन कैरिंग आउट अश्योरेंस एंगेजमेंट देर इज टेक्निकल प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आर वॉट कंप्लाइड विद बाय द मेंबर्स ऑफ ICI। आई बात समझ में? नंबर 1। नंबर 2, प्रॉपर सिस्टम्स आर इन प्लेस इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन देर ऑफ विच एम्पली डेमोन्स्ट्रेट क्वालिटी अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मेंबर्स। मतलब आपके पास एक ऐसा, आपके ऑफिस के अंदर एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो डेमोन्स्ट्रेट करे कि यस,
क्वालिटी अश्योरेंस सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द मेंबर्स। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड यहां पे क्या हो रहा है, एकदम इजीली समझिए। इधर लिखते हैं अपन नोट्स में, देखो यहां पे दिस इज ICAI, आर मदर बॉडी, अपना कर्ता धरता। सो ICAI है, बोलो है सर। अब ICAI काउंसिल, बराबर, द काउंसिल ऑफ ICAI विल डू व्हाट, विल सेट अप पीयर रिव्यू बोर्ड। समझा गया? सो व्हाट इज द जॉब ऑफ दिस पीयर रिव्यू बोर्ड? सो दिस पीयर रिव्यू बोर्ड विल एंश्योर दैट नंबर वन कि द मेंबर्स ऑफ ICAI comply with technical, professional and ethical standards। वो क्या चाहेंगे कि the members of ICAI comply with what? The ethical and professional and technical standards and documentation to ensure that proper systems of quality are in place। मतलब documents होने चाहिए to ensure that proper system of quality are in place। तो peer review board का उद्देश्य ये है, this is the objective of peer review board। क्लियर है एकदम? लिखो इसको, दैट इज द गोल ऑफ पीयर रिव्यू बोर्ड। डन। So, वापस आते हैं, पढ़ते हैं उसको। द पीयर रिव्यू बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय काउंसिल ऑफ ICAI। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बोर्ड इज, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर दैट द अश्योरेंस एंगेजमेंट्स आर कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। प्रॉपर सिस्टम्स आर इन प्लेस इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द क्वालिटी अश्योरेंस एंगेजमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द मेंबर्स। द पीयर रिव्यू इज मेंट फॉर द पर्पस ऑफ enhancing the quality of the professional work resulting in more reliable and useful audit reports। Next, peer review means, ek second, ओके, सो पीयर रिव्यू मींस क्या होगा? एन एग्जामिनेशन एंड रिव्यू ऑफ द सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स टू डिटरमाइन। मतलब पीयर रिव्यू मतलब क्या होगा, हम लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, प्रैक्टिसिंग यूनिट, वही हम लोग को बातें इंश्योर करने की, जो हमारा पीयर रिव्यू बोर्ड का जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिसिंग यूनिट पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा, बस वो चेक करना अपने। सो क्या हुआ यहां पे, पीयर रिव्यू मींस एन एग्जामिनेशन एंड रिव्यू ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स टू डिटरमाइन वेदर सेम हैज बीन पुट इन प्लेस बाय प्रैक्टिसिंग यूनिट टू एंश्योर
क्वालिटी ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज, क्वालिटी चाहिए अश्योरेंस सर्विसेज एज एनविसेज बाय टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स और एनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। मतलब तुम समझो भाई ये किसको लागू होगा। अभी इधर क्या होगा, देयर विल बी वन प्रैक्टिसिंग यूनिट, दिस प्रैक्टिसिंग यूनिट इज प्रोवाइडिंग अश्योरेंस एंगेजमेंट। सो यहां पे पीयर रिव्यू बोर्ड क्या करेगा, पीयर रिव्यू बोर्ड विल अपॉइंट पीयर रिव्यूअर जो इंश्योर करेगा कि ये प्रैक्टिसिंग यूनिट जो अश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइड कर रहा है ये वो बातों को कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तुम समझे कि नहीं समझे, वापस एक बार बोलता हूं। पीयर का मतलब क्या बोला था, पीयर मतलब क्या बोला था अपन, पीयर मतलब अपन ने बोला था पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग। अपन ने क्या बोला, पीयर मतलब अ पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग। आईसीआई क्या चाहता है कि हमारा हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइड कर रहा है बॉस वो कंप्लाई करे विथ व्हाट, ये प्रोफेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को, और उसने क्वालिटी प्रोवाइड करना चाहिए। आईसीआई क्या चाहता है, हमारा हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारा हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइड कर रहा है वो क्या करे, ये क्वालिटी को अचीव करे। तो इसीलिए आईसीआई ने सेटअप किया पीयर रिव्यू बोर्ड जिसके थ्रू वो पीयर रिव्यूअर को अपॉइंट करेंगे ऐसे प्रैक्टिसिंग यूनिट्स के लिए जो अश्योरेंस एंगेजमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, टू एंश्योर दैट ये ऑब्जेक्टिव्स उनके जो है ना टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करे, जो क्वालिटी अचीव करे, ये एम है। अब क्लियर है एकदम, यस सर। अब क्या होता है, वंस द प्रैक्टिसिंग यूनिट इज सब्जेक्ट टू पीयर रिव्यू इट्स रिकॉर्ड्स पर्टेनिंग टू पीयर रिव्यू पीरियड आर सब्जेक्ट टू एग्जामिनेशन बाय द पीयर रिव्यूअर। ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस एक्सरसाइज पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट विल बी इशूड इन केस ऑफ एन अनक्वालिफाइड रिपोर्ट इशूड बाय पीयर रिव्यूअर। अगर वो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट है, अनक्वालिफाइड मतलब एवरीबडी ऑफ यू नोस इट इज द क्लीन रिपोर्ट, बट अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट हैज बीन इशूड कि उसमें कुछ रिमार्क्स है, रिजर्वेशन है, इट इज इन्फॉर्म टू द प्रैक्टिसिंग यूनिट दैट सेम कैनॉट बी इशूड अलॉन्ग विद द रीजन देयरफॉर एज वेल एज इन्फॉर्म अबाउट द ड्यू डेट फॉर कंडक्टिंग अ फॉलो ऑन रिव्यू एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। अब क्या होता है यहां पे, ये प्रैक्टिसिंग यूनिट जब सिलेक्ट हो जाती है, ऑन सिलेक्शन ऑफ प्रैक्टिसिंग यूनिट, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑन सिलेक्शन देयर विल बी एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। सारे डॉक्यूमेंटेशन में क्या मतलब, आपने ऑडिट कैसे किया, ऑडिट प्रोग्राम, जो ऐसे 230 में हम लोग डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ता है ना अपने को, तो एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन बराबर यही बोलता है ना कि जिससे हम लोग चेक करें कि बाबा वेदर प्रॉपर क्वालिटी इज इन सिस्टम्स ऑफ क्वालिटी इज इन प्लेस और नॉट, यही डॉक्यूमेंटेशन को एग्जामिन करेंगे। तो इसमें दो बातें होगी, आफ्टर एग्जामिनेशन
अनक्वालिफाइड रिपोर्ट हम लोग देंगे, या तो क्वालिफाइड रिपोर्ट देंगे अगर हमने अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दिया है तो हम लोग एक इन्हें क्या दे देंगे, एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि बाबा ओके डन है करके। बट अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट दिया है तो हम लोग फॉलो अप के लिए आएंगे कि बाबा वो तुमने कंप्लाई किया या नहीं। वापस एक बार पढ़ाता हूं। सो वी विल गिव अ पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट एंड देन वी विल गिव अ ड्यू डेट फॉर कंडक्टिंग द फॉलो ऑन रिव्यू एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। फॉलो अप as may be decided by board। चल ये हो गया आपका पीयर रिव्यू का समरी, नोट करिए उसे। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही लिखो। डन। चलो सो अब भैया यहां से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अभी अपन बात करते हैं क्वालिटी रिव्यू बोर्ड की। सो पीयर रिव्यू बोर्ड आपको समझ में आ गया होगा। सो नाउ वी टॉक अबाउट इज द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ध्यान से पढ़ना इसको। दिस हैज बीन सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। It consists of the members nominated by central government and council of ICAI. इसका काम क्या है? To make recommendations to the council regarding the quality of services provided by the members of the institute. Central government setup करेगा quality review board जिसमें members होंगे which is nominated by central government and council of ICAI. जिनका काम होगा टू मेक रिकमेंडेशंस टू द काउंसिल रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, टू रिव्यू द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द मेंबर्स इंक्लूडिंग ऑडिट सर्विसेज एंड टू गाइड द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट टू इंप्रूव द क्वालिटी। बराबर। द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनीज आर आइडेंटिफाइड फॉर द ऑडिट क्वालिटी। बकायदा ये किसे एप्लीकेबल है? ओनली टू द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। देखिए यहां पे इधर किसको एप्लीकेबल है? फॉर द वंस हु आर कैरिंग आउट अश्योरेंस एंगेजमेंट्स। इधर स्पेसिफिकली इट इज ओनली एप्लीकेबल टू स्टैट्यूटरी बेस्ड ऑन द रिस्क दे सी। द रिव्यू इज कैरिड आउट बाय टेक्निकल रिव्यूअर्स
हु आर एम्पैनल्ड बाय क्यूअर क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ऑन एंगेजमेंट बेसिस फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। सो अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड इसकी, जो क्या है, अब अपन बात करते हैं अबाउट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के बारे में। सो व्हेन वी टॉक अबाउट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, सो दिस क्वालिटी रिव्यू बोर्ड इज सेट अप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बराबर। इसके अंदर के जो मेंबर्स है, मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड काउंसिल ऑफ आईसीएआई, इनका रोल क्या है। सो इनका रोल जो है क्वालिटी सर्विसेज बाय आईसीएआई, रेकमेंडिंग, एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, टू मेक रेकमेंडेशंस फॉर क्वालिटी ऑफ रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, रिव्यू द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज रिकमेंडिंग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बाय मेंबर्स ऑफ आईसीएआई। सेकेंड, रिव्यू क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड नंबर थ्री, मेक क्या बोलते हैं उनको, गाइड मेंबर्स टू इंप्रूव द क्वालिटी। गाइड मेंबर्स टू इंप्रूव क्वालिटी, ठीक है। सो यहां पे इनका जो रिव्यू है एप्लीकेबल टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, रिव्यू डन बाय टेक्निकल रिव्यूअर्स एम्पैनल्ड विथ क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। सो ध्यान से सुनना, समझना, डिफरेंस दोनों में क्या क्या है। पीयर रिव्यू इज सेटअप बाय आईसीएआई, बट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड इज सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पीयर रिव्यू बोर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स, कोई भी कैसा भी अश्योरेंस एंगेजमेंट हो, बट क्वालिटी रिव्यू ओनली स्टैट्यूटरी। बाकी तो ये है। चलो राइट दिस फास्ट।
चलो सो लेट्स गो अहेड फ्रॉम हियर एंड नाउ द लास्ट पॉइंट, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी नफरा. नफरा हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन नंबर 132 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट. द ड्यूटीज ऑफ नफरा ऑल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग, दैट दे विल मॉनिटर एंड एनफोर्स कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. They will oversee the quality of service of professions associated with ensuring such standards. It has the power to monitor and enforce the compliance with accounting standards and auditing standards and oversee the quality of services under section 132 of subsection 2 and undertake investigation under 132 subsection 4 of auditors of certain class of companies. Such companies include listed companies, insurance companies, banking companies, and other companies under Rule 3 of NAFRA Rules 2018. Therefore, overseeing quality of audit is of listed companies fall under the purview of NAFRA. QRB can review the quality of audit services provided by the members of institute only in respect of entities other than the Rule 3. क्लियर है? तो ये जो है ना, ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो नफरा का काम क्या है? टू एंश्योर दैट दे कंप्लाई विथ व्हाट? नफरा का काम क्या है? टू एंश्योर दैट they see the compliance with accounting and auditing standards and oversee the quality of service. So National Financial Reporting Authority compliance with accounting and auditing standards and oversee compliance of quality. NAFRA under 132 subsection 1, ठीक है? So ये किसके लिए होगा? ये to listed entities. Insurance, banking, and the company specified in Rule 3 of NAFRA. ठीक है? Other than these are reviewed by Quality Review Board. ठीक है, done. So dear friends, with this we complete with our very first chapter, that is quality control. आशा करता हूं कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आपका एकदम ये थरह हो गया होगा. So हमने क्या क्या बात करी थी इस चैप्टर के अंदर? So we discussed SQC 1 in detail. We discussed SA 220 in detail and साथ ही साथ, in short, Peer Review Board, Quality Review Board and National Financial Reporting Authority, which are charged with overseeing the quality of the audit engagements. Clear एकदम? Yes sir. So dear friends, we stop here today. हम लोग मिलेंगे अब मंडे को, and मंडे को हम लोग स्टार्ट करेंगे with the second chapter, जिसका नाम है, इधर गया, जनरल ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे मैंने कहा, पूरा सीए फाइनल का सिलेबस मेजरली स्टैंडर्ड बेस्ड है, तो इसके अंदर अब हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट 240, 250, 260, 299 एंड 402, द सेकेंड चैप्टर. सो मंडे को मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, राइट? ओके. So thank you very much guys. Have a great, great, great day ahead. Bye-bye.